Good evening and welcome back to your own favorite channel, Trading with Tarun. मेरा नाम तरुण और गाइस ये है पोस्ट मार्केट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। लेवल्स ने किस तरीके से प्ले किया, क्या सेटअप बने और किस तरीके से आप कल ट्रेड कर सकते हैं, वो सब के ऊपर चर्चा करेंगे, जल्दी से रिव्यू करेंगे। ऑफ कोर्स एक वीकली एनालिसिस वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए सैटरडे या संडे को जो हमारा लाइव होता है, उसके अंदर आपको एक डिटेल्ड वीकली एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए जरूर मिलेगा। लेकिन कैसा रहा आज का दिन उसके बारे में हम बात करते हैं और कैसे सेटअप रहा देखते हैं। तो गाइस अगर एनालिसिस और लॉजिक पसंद आए तो लाइक करना ना भूलेगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है अभी तक नई स्ट्रैटेजी के लिए MPC नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मस्त माइंड ब्लोइंग सुपर से भी ऊपर, तो रजिस्टर कीजिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर और अपनी फ्री स्ट्रैटेजी आज ही ले लें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस की गाइस। निफ्टी बैंक निफ्टी, दिस इज बैंक निफ्टी डेली चार्ट और आज जो कैंडल बनी है गाइस एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ अ कैंडल बनी है ऊपर की तरफ, एक बेरिश कैंडल बनी है और मुझे हाई चांस लगता है कि आपको एक मंडे के दिन गैप डाउन मिलेगा और एक रेड कैंडल बन सकती है, इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हो सकता है स्पेशली निफ्टी। चलिए देखते हैं किस लेवल के क्या लेवल हमने कल दिए थे और किस तरीके से उन्होंने प्ले किया। गाइस ये लेवल्स मैंने आपको कल दिए थे और आपको साफ साफ बोला था कि मार्केट अगर साइडवेज ओपन होके इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकलती है तो आपको दो लेवल दिए थे ऊपर के, 37,870 और 38,000 के टारगेट दिए थे, यहां तक आपको जाना है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ओपनिंग की खुलते के साथ ही हमारा टारगेट ओपन कर दिया और मार्केट यहां से इस लेवल से नीचे आना शुरू हुई। मैंने आपको बोला था कि अगर गैप अप होता है नीचे आती है तो मार्केट आने देना और वी नीड टू बाय ऑन एवरी डिप, ये मेरे सेंटेंस थे कल वीडियो के अंदर। और आपको डिप के ऊपर हमारे जब सपोर्ट लेवल के ऊपर आ गई थी मार्केट, देखिए जो लेवल तोड़ने में सबसे ज्यादा मुसीबत हो रही थी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये वाला लेवल, जैसे ही मार्केट इसको तोड़ चुका है तो ऑफकोर्स रेजिस्टेंस एक सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट यहां पर जैसे अगर हमने बाय किया हमारे लेवल पे, जो हमारा बाइंग लेवल था 37,723 हमारा बाइंग लेवल था, यहां पर अपने बाय किया हो तो टारगेट नंबर वन टारगेट नंबर टू ऊपर आया। Now, अब आप बोलोगे सर ये तो टारगेट ऊपर 100 पॉइंट और ऊपर गया, लगभग हमारा 38 पॉइंट से 98 पॉइंट ऊपर गया। देखो हमारा टारगेट यहाँ पर होगा, किसी वजह से मैंने आपको ऊपर के टारगेट नहीं दिए थे, मार्केट ऊपर गई बहुत अच्छी बात, लेकिन मैंने किसी वजह से आपको टारगेट नहीं दिए थे क्योंकि ये फॉल विजिबल था गाइस, ये फॉल बहुत अच्छी तरीके से विजिबल था और मैंने हमने ट्रेड करके पैसा भी बनाया इसके अंदर, ठीक है, और बहुत अच्छा फॉल मिला हमें ऊपर की तरफ से नीचे की देखने का। मैंने आपको साफ साफ बोल दिया गाइस क्या टारगेट दिया था, बोलना क्या मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज, ये चले कल की वीडियो देखते हैं, एक छोटी सी क्लिप देखेंगे और उसके बाद में बात करेंगे। मूव रहेगी ऊपर की छोटी रहेगी, ऊपर की छोटी मूव रहेगी, लेकिन अगर नीचे की तरफ आती है मार्केट करेक्शन करती है तो आपको बड़ा मूव मिल सकता है। हाई चांस क्या है, मार्केट यहां से नीचे आएगी, पूरा दिन यहाँ पर टाइम वेस्ट करेगी मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ से पूरा दिन यहाँ पर टाइम वेस्ट करेगी, फिर नीचे आएगी डिप मारेगी और यहाँ से रिवर्सल लेके फिर वो हाई के आसपास बंद हो जाएगी। तो गाइस हमने क्या बोला था कि मार्केट नीचे आएगी, नीचे आके, और मैंने आपको सबको बोला था कि गाइस यहां पर एक बार डेफिनेटली सारा माल बुक कर लेना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहां से आपको रिवर्सल मिल सकता है। और आपको क्या बोला था, मार्केट नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी, देखिए करके भी दिखा देते हैं, मार्केट नीचे आएगी साइड में टाइम वेस्ट करेगी डिप मार के हमारे रिवर्सल पॉइंट से मार्केट ऊपर लगेगी और हाई के आसपास क्लोज होगी सुपर से भी ऊपर। जिस जिसने फॉलो किया वीडियो देखा पैसा बना होगा गाइस। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, एंट्री लेने के लिए आपका एंट्री पॉइंट था 37,600, इसके नीचे 200 पॉइंट का फॉल आपको मिला, 37,400 का टारगेट, एकदम डिप मारा टारगेट मेरा आया। और जो स्मार्ट हमारे ट्रेडर हैं, स्मार्ट ट्रेडर, अब मैं सारी चीजें बताई नहीं जाती गाइस, जब मैंने बोला यहां से रिवर्सल आएगा तो जिन्होंने रिवर्सल ट्रेड किया यहां से उनको भी और हाई के पास क्लोज होगा उनको भी यहां पर 400 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ सुपर से भी, ठीक है। बैंक निफ्टी एज इज इट इज काम किया और अगर आप देखेंगे ये जो पैटर्न बन रहा है ये एक W पैटर्न भी बन रहा है, तो उसने ऑलमोस्ट टारगेट अपना दे दिया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छे साइडवेज मार्केट के अंदर भी हमने अच्छे तरीके से ट्रेड किया, बहुत अच्छा पैसा बना, मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आए कि इन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया आज के दिन भी, हालांकि काफी लोगों ने ट्रेड नहीं किया, मैंने भी ट्रेड ना करने का सोचा था लेकिन जब ये सेटअप मुझे दिखाई दिया तो मैंने डेफिनेटली ट्रेड किया, इसके अंदर मैंने पैसा बनाया, मैं बेरिश था। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर सबको बोल दिया था गाइस कि मार्केट गिरने वाली है और आपको काफी अच्छे लेवल्स नीचे के दिखाई देंगे, ठीक है,
और मार्केट गिरी, लेवल से गिरी। मैंने आपको बोला था कि निफ्टी 17,450 तक गिर सकती है, 17,500 तक आई, 50 पॉइंट और नीचे आई, वो नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिल सकता है। मैंने नेक्स्ट वीक का टारगेट दिया था, यहीं पर बोल दिया था आपको गाइस मैं बेरिश हो गया हूँ, मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी। मार्केट ने रिवर्स किया और काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया निफ्टी के बारे में देखेंगे। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी को मंडे को कैसे ट्रेड करना है। गाइस ये जो लेवल्स हैं ये एज इट इज रहेंगे, इसके ऊपर का जो लेवल है गाइस ये वाला लेवल भी आपका हम मार्क कर लेंगे, एक नया लेवल हमारे पास आ चुका है। सो ये लेवल आपके हो चुके हैं। अब गाइस ये जो जोन बन चुकी है, मैं आपको ये वाला जोन दिखाना चाहूंगा, ये एक जोन है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगी। 38,000 से लेकर 38,100 के बीच की जो रेंज है ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगी और मैं इंटरेस्टेड हूंगा इस रेंज को टूटने के ऊपर। और आपको साफ साफ शब्दों में मैं एक बार बताना चाहता हूँ, मार्केट के अंदर मैंने सुबह भी बोला था हाई तोड़ेगी तो 100 पॉइंट ऊपर भागेगा, वैसे सेम है। जिस दिन आपका 38,100 का लेवल टूट जाता है और ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट वो लेवल सस्टेन कर जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तोड़ के गया वीक बना के वापस आ गया ऐसे काम कर दिया, नहीं, 10 से 15 मिनट जो है अगर वो सस्टेन कर जाता है गाइस तो मान के चलेगा 300 पॉइंट से लेकर 400 पॉइंट की रैली। जी हाँ, आपको सेम डे पर देखने को मिलेगी, सेम डे पर आपको 300 से 400 पॉइंट, मतलब 38,300, 38,400, 38,500 के लेवल आपको सेम डे पे दिखाई देंगे। तो इस चीज को वॉच आउट कीजिएगा, लेवल्स को प्ले कीजिएगा, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट आप किस तरीके से आप प्ले करते हैं वो बहुत मैटर करती है। अब आपको मेरे को लगता है मार्केट देखिए कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन बैंक निफ्टी के। सो हमारे लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं, हमारे लेवल्स जो गाइस निकल के आ रहे हैं वो है, इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो हम बाय करेंगे। 38,091 के ऊपर मार्केट अगर 5 मिनट के लिए दो 5 मिनट की दो कैंडल या 15 मिनट की एक कैंडल बनाती है, यहां से हम बाय करेंगे। हमारे टारगेट ऊपर के क्या होंगे, 38,300, 38,400, 38,500। बहुत ही फास्ट मिलेंगे आपको टारगेट, पहले भी बोला था फास्ट का मतलब क्या होता है आपको पता लग गया होगा, ये देखिए फास्ट मिलेंगे ऊपर की तरफ के टारगेट 38,300, 38,400, 38,500। ठीक है, बैंक निफ्टी की तैयारी कर लो 40,000 की, 38,000 का टारगेट था मेरा मंथली आ गया भाई, 37,000 था 38,000, दोनों टारगेट अच्छे हो गए। अब मेरा टारगेट है 40,000, लेकिन किंतु परंतु भाई कुछ तो लगेगा ना टाइम, ये देखो फिबोनाची के हिसाब से मार्केट कभी भी एक रास्ता रफ्तार में ऊपर नहीं जाती है, वो ऊपर नीचे करती हुई जाती है। ठीक है, मार्केट ने रैली दी है, एक्सपेंशन किया है, कॉन्ट्रैक्शन तो करेगा ना, 50% तक कॉन्ट्रैक्शन किया है, यहाँ से वापस जाने की कोशिश करिए, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बताएगी क्योंकि बहुत बड़ी लंबी रैली की है इसने और ये डेफिनेटली ऊपर जाएगी। एक डिप और बनती है छोटी सी जो आपको मंडे ट्यूसडे के अंदर देखने को मिल जाएगी, उसके बाद में मार्केट आपको स्ट्रॉन्ग जाएगी। ये जो रैली गाइस लास्ट में आपको देखने को मिली है, ये रैली आने के पीछे जो एक रीजन है वो सबसे बड़ा रीजन क्या है, वो है रीजन ये एच डी एफ सी बैंक। ठीक है, नाउ गाइस HDFC बैंक ने मेरे पर्सनल सेटअप के हिसाब से एक ब्रेकआउट दे दिया है। और गाइस मैं आपके सामने लिख देता हूं, इसका टारगेट है गाइस 16,050। इस ब्रेकआउट का जो टारगेट है वो 16,050 जो हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, ये कैंडल सस्टेन नीचे, ये टारगेट है HDFC बैंक का। और मेरे इसके अगर 16,050 आता है सो दे विल बी अनदर ब्रेकआउट ऑफ अनदर पैटर्न और अनदर सेटअप जो मैं अपने ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के अंदर सिखाता हूँ। जिस पैटर्न के हिसाब से आपका जो टारगेट निकल के आता है गाइस HDFC बैंक का, वो टारगेट निकल के आएगा समवेयर अराउंड 2,400 इन नेक्स्ट 4 to 5 months। ठीक है, तो मान लो दिसंबर के आसपास तक मुझे ये नंबर दिखाई दे रहा है। और अगर HDFC बैंक ये करने वाला है, बहुत जल्दी आ जाएगा ये, तो आपको इसी महीने में दिखाई दे जाएगा, 1650 के लेवल इसी महीने में दिखाई देंगे और ये लेवल भी आना शुरू होता है तो गाइस शूट अप बैंक निफ्टी 40K की तैयारी। मेरा टारगेट है 40K, क्या
मंथ की शुरुआत में आप सबको एक चीज बोली थी गाइस, जो मुझे फॉलो करते हैं वो सब जानते हैं कि बोला था नहीं बोला था, मैंने बोला था गाइस 37,000 की सी उठा लो, ठीक है, और उसका प्राइस क्या चल रहा था गाइस 340 रुपए, 340 रुपए प्राइस था सी का जब हमने बात की थी, ठीक है। अब आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो सी का प्राइस क्या है आज, क्या है मतलब, आप तो फॉलो हो गया, उसने हाई कितने का मारा है, ठीक है, और मैं सुबह ही बुक करने के लिए बोल दिया था। ठीक है गाइस, ये हाई मारा है इसने, कितने का हाई मारा गाइस, 1405 का हाई मारा है, 37,000 सीई सितंबर एक्सपायरी, 1405 का हाई मारा है, मतलब 400 रुपये में मान के चलूं, हालांकि हमें कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, हमें कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, 1000 पॉइंट का प्रॉफिट इन 17 डेज पर लॉट, 1000 पर लॉट, 1000 सुपर से भी ऊपर। मेरे ग्रुप में काफी मेंबर्स हैं जिन्होंने पैसा बुक किया है, ठीक है। मैं आपको आज एक और टिप दे देता हूँ, मैं टिप नहीं अपना व्यू दे रहा हूँ, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग एनी ट्रेड्स गाइस। मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू बहुत अच्छा है गाइस, मेरा व्यू क्या है, बहुत अच्छा है, मेरा व्यू है थर्टी 9,000 की सी, अक्टूबर के मिड मंथ की हमने लेनी है, तो यह है अक्टूबर 21st, यह है अक्टूबर 14th, ये ले सकते हैं, वर्सेस कुड नॉट बी सेव्ड, व्हाई, चलो यहाँ पर कोशिश करते हैं, 39,000 की सी हम लेने की कोशिश करते हैं, ये वाली क्या प्राइस चल रहा है गाइस, 1000 रुपए के आसपास प्राइस चल रहा है इसका, ठीक है, ये भी छोड़ दो, चलो ठीक है, 39,000 ले लो या 40,000 सी अक्टूबर की, ठीक है। एक डिप बनेगा आपका, अभी एक डिप बनेगा, बैंक निफ्टी जब नीचे की तरफ आना शुरू होगा आपका एक डिप बनता है गाइस, क्या डिप बनता है, मार्केट अगर वापस गिरती है आपको इस लेवल के 37,400 के आसपास मिलती है, 37,400 जब आ जाएगा तब आपको ये उठाना है, ठीक है, इसको उठा लेना, ज्यादा नहीं तो एक लॉट, उसके बाद रिजल्ट आप अपने आप देख लेना क्या आएगा। आज वीडियो के साथ आपको बोल दिया है 839 का चल रहा है 40,000 सी, 39,000 सी ये ले सकते तो और भी बेटर है, बजट में अलाउ नहीं करता तो 40,000 ले सकते हैं अक्टूबर का, और रिजल्ट सुपर से भी ऊपर एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस रहा आपका, ठीक है, बैंक निफ्टी का एक डिटेल एनालिसिस हम लेके आएंगे गाइस फ्राइडे को, वो वीडियो देखना मुझे लाइव, दैट्स दैट विल बी अ लाइव ऑन सैटरडे और संडे, आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा जहां से आपको देखना हो, बेसिक लिंक ले सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें गाइस, निफ्टी देखिए सुबह ही बोल दिया था गैप फेल होगा, यहाँ पर जिसने 17,693 ऑलमोस्ट 17,700 से लेकर नीचे एक मार्केट गिरा है, अच्छा फ्री फॉल 17,600 तक, यहाँ पर आपको 100 पॉइंट की रैली आराम से देखने को मिली। उसके बाद में मैंने आपको साफ साफ बोला था ये वाला हमारा लेवल टूटता है 17,600 का, आपको 17,600 की पीई बाय करनी है, ठीक है, और हमारा टारगेट क्या रहेगा इस जोन तक, ये जोन तक आप अपना टारगेट रख सकते हो, मार्केट ने जोन तक का टारगेट दिया 17,540 तक का टारगेट दिया, पूरा टारगेट दिया जोन तक का, पूरा टारगेट दिया, नीचे दिया और वहीं से रिवर्स हुई है वापस मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे टारगेट पूरी तरीके से आए। तो अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं गाइस, आप पैसा जरूर बनाएंगे, ठीक है।
मंडे को कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, मंडे को निफ्टी को क्या कर सकते हो ट्रेड ट्रेड करने के लिए, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ एनालिसिस नहीं है, लेवल एज इट इज रहेंगे। मार्केट अगर ये वाला लेवल तोड़ देती है, 17,550 का लेवल दोबारा टूटता हुआ आपको दिखाई देता है, तो मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी 15,500। मेरा जो टारगेट नेक्स्ट वीक का मैं लेके चल रहा हूँ 450 का टारगेट है, ठीक है 450 का टारगेट है। और गाइस व्हाई आई वाज एबल टू से कि ये मार्केट गिरेगी नीचे, एनएफटी क्यों गिरेगी नीचे, क्यों आई मार्केट नीचे, अगर आपको रीजन जानना है तो लाइव जरूर अटेंड कीजिएगा। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन एंड स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ अपने लाइव के ऊपर, जो होगा सैटरडे या संडे, मैं आपको ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पेस्ट कर दूंगा वो चीज इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन रिवील पब्लिक में सब कुछ कर दूंगा कि बॉस किस तरीके से मैंने वो प्रिडिक्ट किया और क्या वो ऑब्जर्वेशन है, किसकी वजह से मार्केट गिरनी चाहिए और मार्केट 17,450 तक के लेवल दिखा सकती है। एग्जैक्ट नंबर क्या है मंडे को संडे को जो लाइव होगा हमारा, संडे के लाइव में आपको मैं एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा, तो वो अटेंड करना ना भूलेगा। नीचे के आपके लेवल आते हैं निकल के, ठीक है 540 और ये वाले लेवल नीचे आते हैं, और मार्केट अगर बाय करनी है तो सिर्फ इस ब्लू लाइन के ऊपर 17,640 के ऊपर मार्केट को बाय करेंगे, उससे पहले बिल्कुल बाय नहीं करेंगे, उससे पहले बिल्कुल बाय नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों गाइस, एक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बनती है बाइंग के लिए, अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आएगी वो बुलिश नहीं होगी, तो मार्केट इसके ऊपर भी आती है तो सेफ बाय इसके ऊपर रखेंगे, 17,640 के ऊपर ही बाय करेंगे, ऊपर के लेवल आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर आती है रिवर्स करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है एक डिप आपको देखने को मिलेगी, नीचे के लेवल 450 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं और उस वो आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी एनालिसिस कैसे, एक डीप एनालिसिस करेंगे, डिटेल एनालिसिस लेवल्स के साथ में, स्ट्राइक प्राइस के साथ में और स्टॉक्स के साथ में, ताकि आप अच्छे तरीके से अपना वीक प्लान कर सकें। तो लाइव अटेंड जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइव होने वाला है सुपर से भी ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, घर वालों के साथ टाइम बताइए, हंसिए हंसाइए, प्यार बांटिए, वी विल मीट यू इन द मार्केट, विल मीट यू ऑन संडे लाइव सून गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।